हेलो एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं आइकिया और बैंगलोर में अभी जो है इसका फर्स्ट शोरूम जो है वो ओपन हुआ है। किसका खोपड़ा फूटा और नाचो नाचो नाचो। तो बहुत ज्यादा बूम है आइकिया आइकिया आइकिया। मैं इससे पहले इसके प्रोडक्ट यूज कर चुकी हूँ जब आई वॉज इन लंडन और मुझे इसके प्रोडक्ट काफी अच्छे लगे थे। तो आई थॉट कि यहाँ पर भी जो है हम एक बार जाकर आते हैं और कुछ हमें जो है शॉपिंग करनी ही थी और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है तो आई थॉट कि बनता है। और बहुत ही भीड़ थी यहाँ पर और पिछले एक महीने से ये ओपन हुआ था एंड अब जो है हम लोग जा रहे हैं। बहुत दिन से था कि जाना है जाना है जाना है और आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है आज, तबीयत थोड़ी गड़बड़ है आज, तो हिंदी कितनी अच्छी बोल रहे हैं। मैं जितनी अच्छी हिंदी बोल रही हूँ इतनी ही खराब हिंदी बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे चलकर कैसा क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू एंड मैं ट्राई करूंगी कि वहाँ पर क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको दिखाने का, ताकि अगर आप चाहें तो आप भी वहां जाकर शॉपिंग कर सकें। तो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं आइकिया। अंदर क्या है वो जाके बताएंगे। आइकिया की पार्किंग जो है वो फ्री है, जब हम गए थे तब तो फ्री ही थी, आगे चलकर पेड हो जाए तो पता नहीं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, जब नई रहती हैं तो ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे अभी हम लोग खाना खाएंगे। अब आप यहाँ पे आएंगे, फूड लेना है आपको। ये जो लाइन है यहाँ से आपको जाना है यहाँ 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 यहाँ, और जो भी आपको फूड चाहिए वो आप ले लेंगे यहाँ से। पूरा ऊपर भी जो है मेन्यू वगैरह लिखा है। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे इधर, और यहाँ पर जो है जो भी आपने फूड लिया है उसका बिलिंग आपको यहाँ से करवाना है। इधर पे आके उसका जो है वो बिलिंग करवाना है। तो सही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लिया है ये पनीर पनीर बटर मसाला विद स्टीम राइस कुकीज। मिस्टी ने अपना सूप लिया है, ब्लूबेरी मफिन एंड वेज ओके पोटैटो वेज है, फ्रूट सैलेड, और ये क्या है, ये वेज बाउल। अच्छा दो है फ्रूट सैलेड, हाँ, और केक है। और बताओ और बताओ किसने, और ये पराठे, हाँ, और ये चीज केक भी है 1800 में, ठीक है। और ये जितना भी देख रहे हैं आप टेबल पे, ये जितना भी देख रहे हैं आप टेबल पे, और कॉफी भी है, चॉकलेट भी है, और दो मेरी कॉफी अभी मैं पीऊंगी, पानी भी लिया है। इतना जो है ये सारा जो है 1800 में है, तो काफी अच्छा है, सही है।
तुम पता कोल्ड बेवरेज भी ले सकती थी तुम्हें। मेरी अमेरिकानो ओके थैंक यू। इस तरीके से जो है पूरा फर्नीचर लगा हुआ है एंड जगह जगह पे इस तरीके से सामान रखे हुए हैं, जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। प्राइस मेंशन रहते हैं, जो भी आपको पसंद है ले लो। ओपन सेक्शन है, आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि आप शॉपिंग कर रहे हो टाइप से। इस तरीके से पूरा ओपन है, ऐसा लग रहा है कि आप घर में घूम रहे हो। तो ये पूरा फर्नीचर का सेक्शन है, यहाँ पे पूरा फर्नीचर ही है, हमें फर्नीचर में कुछ लेना है नहीं। भूल भुलैया जैसा है, बहुत बड़ा है और जगह जगह जो है इस तरीके से डिस्प्ले लगे हुए हैं। आपको जो सामान लेना है उसका, फिर हम लोगों ने पूछा कहाँ जाना है, तो इस तरीके से बोला है कि जो एरो है इसे फॉलो करना है, ये जो एरो है इसे फॉलो करना है, और फॉलो करते करते जो है आप मार्केट पहुँच जाएंगे। लेट्स सी, वी आर ट्राइंग टू फॉलो। अब एरो कहाँ गया, ये रहा इधर है, इधर है। बहुत बड़ा है एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिस्प्ले टाइप में दिया हुआ है, बहुत सारा जो सामान है वो डिस्प्ले, और किस तरीके से आप अपने घर में सेट कर सकते हैं उस तरीके से थोड़े आइडिए हैं, और फर्नीचर पूरा जो है यहाँ डिस्प्ले हो रखा है। और वी आर फॉलोइंग एरो, हम एरो को फॉलो करते जा रहे हैं और होपफुली हम निकल जाएंगे, नहीं तो विदाउट एरो के तो डेफिनेटली हम कहाँ जाएंगे पता नहीं। पूरा जो है ये फर्नीचर का सेक्शन है, पूरा डबल बेड, बंकर बेड, चलो चलो इधर चलो, डबल बेड, बंकर बेड, एंड हम जो हैं एरो को फॉलो करते जा रहे हैं। एरो को फॉलो करते करते जो हैं हम लोग, हाँ मिट्टी नीचे पड़ती रहेगी। लॉफ्ट बेड फ्रेम विद डेस्कटॉप 21,000, सही है हाँ। पता नहीं पूरा सब सही है। एरो को फॉलो करते हुए हम इस वाले स्टेयर से नीचे आ गए हैं, और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी ट्रॉली हैं, और यहाँ पे ये जो है अब जो है मार्केट आ गया है। तो अब जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है शॉपिंग का है। ऊपर जो है वो पूरा डिस्प्ले का ही था जो मुझे दिख रहा था। ये पूरा किचन सेक्शन है जहाँ पे अभी मुझे सिर्फ क्रॉकरी का ही सामान जो दिख रहा है, भर भर के क्रॉकरी। इसके जस्ट अपोजिट में ये वाला सेक्शन है, यहाँ पर ये बिलिंग काउंटर बना हुआ है और ये सेक्शन है। नीचे यहाँ पर जो है डेकोरेशन का जो है वो सेक्शन है, और काफ़ी कुछ है डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे डोर मैट, कारपेट वगैरह जो है सब कुछ है। बहुत बड़ा शोरूम है, पूरे दिन का टाइम लेकर आओ और जी भर के घूमो यहाँ पर, और सोच कर आओ, डिसाइड करके आओ आपको क्या लेना है, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज फॉर श्योर। हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, पर स्टिल पता नहीं क्या क्या ले लिया है वो मुझे पता नहीं है, क्या क्या लिया है वो पता नहीं है। तो काफ़ी है नो डाउट, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो आप आइए, टाइम निकाल कर आइए, लीजिए आपको जो चाहिए। और क्वालिटी तो ऑफकोर्स अच्छी है ही यहाँ की।
हमारी जो है बिलिंग हो चुकी है सारा सामान, और बिलिंग होने के बाद अगर आपको भूख लग रही है तो यहाँ पर फूड काउंटर है आउटसाइड में, तो वहाँ पर आप फूड जो है वो खाना जो खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी जगह है, बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हाँ एक टाइम मतलब वन टाइम आप डेफिनेटली आएँ, अपने आप देखें, अपने आप चेक करें, क्योंकि हर किसी की जो मतलब डिज़ायर है वो अलग होती है। हर किसी को पता नहीं, किसी को पूछे किसी को पूछे मुझे उतना कुछ सामान चाहिए नहीं था। फर्नीचर के ऑप्शन है बहुत यहाँ पर, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, बट मुझे फर्नीचर जैसा कुछ भी नहीं चाहिए था। आई जस्ट गेम की देखते हैं किस तरीके से है यहाँ का। मुझे बोला जाए तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ओके है, नॉट गुड नॉट बैड। और अगर आज का जो वीडियो है आपके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। सेव गर्ल रिस्पेक्ट वुमन थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।